नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्टडी हेल्प और मैं हूँ सचिन। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकली दोस्तों कि RPSC के फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की डेट है वो फाइनल हो चुकी है। दोस्तों, अब आप ये नहीं कहेंगे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। दोस्तों, तो एग्ज़ाम की डेट है वो क्लियर हो चुकी है और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ RPSC के बारे में तो सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हो अपने फ़ोन पर। तो सब्सक्राइब नाउ, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, RPSC की तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड डेट को लेकर दीपक उपाध्याय के अध्यक्ष बनने के बाद बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। दोस्तों, पहले RAS प्री परीक्षा का जहां डेट का पता ही नहीं था एग्ज़ाम का, लेकिन उसे 5 अगस्त को ही निश्चित कर दिया गया दीपक उपाध्याय के अध्यक्ष बनने के बाद। यानी कि कितने दिनों से रिक्त पड़ा था पद RPSC का, वह पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है। दोस्तों, और दीपक उपाध्याय का अध्यक्ष बनने के बाद तेज़ी से RPSC की जो भर्तियां निकाली गई हैं उन पर तेज़ी से एग्ज़ाम डेट क्लियर होती जा रही है और अब की बार नंबर आया है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का। दोस्तों, दीपक उपाध्याय ने बयान में कहा है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वह लगभग नवम्बर तक कम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि नवम्बर तक पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर या नवम्बर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, और ऐसा क्यों दोस्तों, तो चुनाव आने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि दिसंबर में चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार अपना काम है वो पूर्ण करना चाहती है, पूरी तरह जो भर्तियां निकाली है उनके कुछ नहीं तो एक परिणाम ना निकाले तो कुछ नहीं बल्कि एग्ज़ाम तो करा दें, ताकि उन पर चुनाव पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसी वजह से जो RPSC के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वह नवंबर तक हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा, ये दीपक उपाध्याय का बयान में सामने आया है। दोस्तों, ये दीपक उपाध्याय ने कहा है कि RPSC के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की डेट लगभग नवंबर में, दोस्तों आपकी नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, तो ये ऑफिशियल डेट है आप, क्योंकि ये और दीपक उपाध्याय के बयान में आई है दोस्तों सामने। और दीपक उपाध्याय लगभग 3 महीनों के लिए ही बने हैं अध्यक्ष, लेकिन दीपक उपाध्याय जिन जिन भर्तियां निकाली गई हैं RPSC में, वह सारी भर्तियों का दीपक उपाध्याय ने कहा है कि जो भी भर्तियां निकाली गई हैं अभी वर्तमान में, उन सारी भर्तियों के में जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करके डेट जल्दी से जल्द एग्ज़ाम की फाइनल करूंगा। इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी कार्य कर रहे हैं और आते ही उन्होंने एक तो तहलका मचा दिया था और RAS प्री परीक्षा जो थी उनकी डेट क्लियर ना हो पा रही थी, लेकिन उन्होंने आते ही 5 अगस्त इसकी डेट सुनिश्चित कर दी और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं इसके। तो अब और RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अब तो बारी आ गई और इसकी भी डेट उन्होंने बता दी है। लगभग उन्होंने कहा है कि नवंबर तक आपका एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर या नवंबर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे मैं कोई नई अपडेट लेकर आऊँ, दीपक उपाध्याय के द्वारा बयान लेकर आऊँ, तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख सकते हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी को जानकारी मिले कि RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की डेट फाइनल हो चुकी है। दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।